पांचवें चरण विधानसभा चुनाव से पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर मारी गई छापेमारी में पाकुड़ के सहवाजपुर गांव में से दो बक्से में 500 के बंडल बरामद किए गए। कुल राशि 43,98,000 नगद बताई जा रही है। रुपए कहां से आए इसका कोई संतोषप्रद जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि रुपए का इस्तेमाल कहां होना था। पाकुड़ एसपी राजीव कुमार सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। पाकुड़ एसपी ने कहा कि ये रुपया चुनाव में बांटने के लिए रखा गया था। छापेमारी के दौरान शहवाजपुर गांव के आभूषण के घर से दो बक्से में 500 के बंडल में 43,98,000 रुपए मिले थे, जिसके विषय में गृह स्वामी को पूछने पर किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया। साथ ही किसी प्रकार का कागज भी नहीं दिखाया गया। सभी नोटों को मुफस्सिल थाना लेकर आए, सील कर माल खाने में जमा कर दिया गया। सूत्रों की अगर माने तो ये राशि 2 करोड़ की थी। बाकी राशि को वोटरों के बीच बांट दी गई है। शेष बची राशि को भी बांटने वाले थे, लेकिन टीम को सूचना मिल गई और समय रहते ही छापेमारी कर नोटों के बंडल को बरामद कर लिया गया। कल रात में लगभग 11 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि शहबाजपुर गांव में अबुल हुसैन के घर पर दो बक्से में सूचना देने वाला बताया कि 2 करोड़ रुपया रखा गया। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुफस्सिल और FST के मजिस्ट्रेट, इन लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और पर्याप्त फोर्स दे करके रात में लगभग 12:30-1 के बीच में इनको भेजा गया। घर वाले पहले दरवाज़ा खोलने में आनाकानी किए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खोलने के बाद जो सूचना थी, सूचना के सत्यापन के लिए स्वतंत्र गवाहों के समक्ष पूरे घर की तलाशी ली गई और बक्सा में पैसे रखे होने की सूचना थी तो वो बक्से की तलाश की गई। तो वो पलंग में जहाँ सूचना था वहाँ पे बक्सा मिला और बक्सा को खोलने के बाद उस बक्से में काफ़ी मात्रा में पैसे बरामद हुई। जब उसकी पूरी गिनती हुई तो 43 लाख कुल 98,000 रुपया पकड़ा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अवैध राशि के घरों से बरामद किया गया। वजह क्या है चुनाव के बीच इतने सारे रुपयों का मिलना? कहीं ना कहीं आशंका पैदा करता है कि रुपयों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इतने सारे रुपयों का इस्तेमाल किस पार्टी को करना था। सबरंग समाचार के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट।